स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में जो क्लास फिफ्थ की है। और आज की डेट क्या है बच्चों, 8/9/2021 65 नंबर की है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम और यहाँ अपना सेशन लिखना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें क्या दिया गया। पर इसके पहले आपको बता दूँ कि इस वीक हमारा कॉन्टेस्ट अभी ओपन है, ठीक है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहो, हो सकता है संडे को क्या इस कॉन्टेस्ट के विनर के रूप में आप हो, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को बट एक बात बता दूँ कि लास्ट वीक के विनर का अनाउंसमेंट जो हुआ है उसको गिफ्ट पार्सल किया जा चुका है, और उसके पहले वीक के जो विनर थे उन्होंने गिफ्ट अपना पा भी लिया है और उन्होंने वीडियो में दी थी, तो जिसे हमने पब्लिश भी किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। चलो इसमें देखते हैं क्या दिया गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड कीपिंग योर सेल्फ सेफ एट होम। इन प्रीवियस वर्कशीट वी रीड स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर, लेट डू फीव मोर एक्टिविटीज एंड रिवाइज इज द स्टोरी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। पहला नंबर दिया गया है ए में, क्या बोला गया है, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, आंसर को करेक्ट टिक करना है। जैसे वेयर डिड द फ्लोक ऑफ गीज लिफ्ट, तो कहाँ रहते थे बच्चों, वो ट्री पर रहते थे। इसके बाद डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट स्टिल यंग, ठीक है। हु सेड, तो ये किसने कहा था, ये ओल्ड गीज ने कहा था, ठीक है। इसके बाद What did the hunters spread on the top of the tree? ट्री के टॉप पे क्या लगा दिया था उसने, नेट लगा दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, डी वाला, इसमें बोला गया What did the hunter do when he come next morning? Put them the cage, throw them one by one, या left them on tree? तो उसने क्या कहा था बच्चों, उसने एक एक कर उनको नीचे फेंक दिया था। तो वॉट इज़ द अपोजिट ऑफ वीक, वीक का अपोजिट क्या होता है बच्चों, स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लेना। आगे देखो बच्चों क्या बोला गया, आगे बोला गया आइडेंटिटीफाई द पिक्चर एंड नेम, देन यू कैन टेक फ्रॉम हिंट बॉक्स, ठीक है। आप हिंट भी ले सकते हो हिंट बॉक्स से। जैसे बच्चों क्या हो गया, जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, कि ये क्या है बच्चों, ये क्रीपर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो बेटा, ठीक है, इस जगह पर लिखो क्रिपर, ठीक। इसके बाद बच्चों ये क्या है, ये है नेट, ठीक है। ये कौन है, ये है हंटर, ठीक है बच्चों, एच यू एन टी ई आर, ये देखो स्पेलिंग लिखी है, ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ लिख दो। इसके बाद क्या है बच्चों, ये फ्लोक ऑफ गीज है, यहाँ पर इस स्पेलिंग इसको पूरा लिखना है आपको, ठीक है, फ्लोक ऑफ गीज, ठीक है। आप फ्लोक ऑफ गीज, ये डी का आंसर है, ठीक है, ये आपका ए का आंसर है, ये आपका क्या है बच्चों, ये बी का आंसर है, और ये क्या है, सी का आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेना। आगे देखो बच्चों क्या बोला गया, टॉकिंग टाइम, बात करने का समय आ चुका है बच्चों अब हमारा। डियर चिल्ड्रेन लुक एट द पिक्चर गिवन द राइट हैंड साइड केयरफुली, व्हाट डू यू थिंक द बॉय एंड द वूमेन इन द पिक्चर आर टेकिंग टॉकिंग अबाउट द इमेज एंड क्रिएट द डायलॉग्स, सेज देम आउट लाउडली एंड राइट देम इन योर नोटबुक, मे बी हेल्प योर एंडर ब्रदर और सिस्टर। अपने बड़े भाई भाई की क्या है, आप हेल्प ले सकते हो, अपने बड़े की हेल्प किसी ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ क्या दिख रहा है कि मम्मी ये एक लड़की, ये एक वूमेन है, और ये क्या है, एक लड़का है। लड़का क्या कर रहा है, शैतानी कर रहा है, और वूमेन क्या है, वूमेन कुछ बोल रही है। तो बच्चों यहाँ वूमेन में आप क्या लिखोगे, इसमें लिख दो कि रवि प्लीज डू नॉट, देखो प्लीज़ रवि डू नॉट लाइक दिस, डू नॉट डू लाइक दिस, क्या है रवि आप बार बार ये मत करो, ये यहाँ पर आप क्या कर देना बच्चों, लिख देना। इसके बाद क्या है, वो बच्चा क्या बोलता है, बोलता है मम्मी I am sorry, ठीक। बच्चा क्या बोलता है, मम्मी I am sorry, इसे आप क्या करना बच्चों, नोट डाउन कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो आगे क्या दिया गया, आगे आपकी ये वाली वर्कशीट होती है यहीं पर समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।